हेलो फ्रेंड्स, एस टी आई स्पेसिस अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। नवंबर मंथ के करंट अफेयर की क्लास में हम आपके सामने एक बार फिर से मौजूद हैं। ये नवंबर मंथ का पार्ट टू है करंट अफेयर का, ठीक है, जिसमें हम वीक की पूरे के पूरे जो हफ्ता होता है, जो सप्ताह होता है, उसके जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर होता है उसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज की क्लास का। हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? दोस्तों ये पुनीत राजकुमार हैं, ठीक है, पुनीत इनका नाम है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं हम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या फिर केरल। ओके, तो हमें बताना है कि ये योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो हम दोस्तों डिटेल्स देख लेते हैं। यह योजना महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया समय के भीतर दिल के दौरे से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आपातकालीन उपकरण स्थापित करने का प्रयास करती है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार की दूसरी पुण्यतिथि के 2 दिन बाद इस योजना की घोषणा की है, जिनकी 46 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। ओके दोस्तों, तो देखो कन्नड़ जो सिनेमा इंडस्ट्री है उसके ये बहुत बड़े एक्टर थे, ठीक है। इनका नाम था डॉक्टर पुनीत राजकुमार, ठीक है, और इनकी ये हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपनी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया, जहां भारत ने आईसीसी विश्व कप 2011 का संस्करण जीता था। प्रतिमा किसके द्वारा बनाई गई, हमें बताना है कि इस प्रतिमा को किसने बनाया है, ठीक है, जो ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है। देखिए ये है प्रतिमा सचिन तेंदुलकर की है। सचिन तेंदुलकर के जो फेमस जो शॉट है वो खेल रहे हैं इसकी प्रतिमा में, ठीक है। तो ये है, आप यहाँ देख सकते हैं काफी बड़ी है। तो हमें बताना है रामवीर सुतार, सुबोध गुप्ता, प्रमोद कामले या फिर अनीश कुमार। देख लेते हैं, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपनी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया, जहां भारत ने आईसीसी विश्व कप 2011 का संस्करण जीता था, ठीक है। यह प्रतिमा प्रमोद कामले, ठीक है, के द्वारा बनाई गई है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक चित्रकार या मूर्तिकार हैं, ठीक है। 34,000 से ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर ने स्कोर किए हैं वनडे और टेस्ट, ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को मिलाकर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रमोद कामले, जिनके द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा डॉक्टर सॉरी हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डैश में त्रिकोणमोली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। बताना है कहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शाखा खोली है, ठीक है। तो ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, भूटान या पाकिस्तान। इस अवसर पर श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल कोंडामन, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा उपस्थित थे। यानी कि ये जो बैंक खोली गई है दोस्तों, ये श्रीलंका, ऑप्शन ए, श्रीलंका में ओपन की गई है एसबीआई की न्यू ब्रांच, जिसका उद्घाटन किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाने के लिए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। तो बताना है हमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर पीयूष गोयल, ठीक है। राजा सिंह, ठीक है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के लिए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को शुरू किया है, ठीक है। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम उनके द्वारा शुरू किया गया है। ये 1.5 किलोमीटर की दौड़ को रक्षा मंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा हजरतगंज से हरी झंडी दिखाई और इसका समापन केडी बाबू सिंह स्टेडियम में हुआ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है राजनाथ सिंह, ठीक है, और ये यहाँ पे योगी आदित्यनाथ वगैरह ये सभी लोग मंचा सीन है बैठे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है, थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश या फिर चीन। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी एशिया कांग्रेस में बोली में 14-10 वोटों से जीत के बाद बांग्लादेश 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बाकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम,
हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल 2023 में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जीते हैं, ठीक है। किस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल 2023 का 37वां संस्करण, यह भी बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये 37वां संस्करण था। ओलंपिक से प्रेरित भारत का अपना बहु खेल आयोजन हुआ है, जो गोवा के 5 शहरों में हुआ, मापुसा, मडगांव, पंजिम, पौंडा और वास्को, ठीक, सॉरी, महाराष्ट्र ने दोस्तों इसमें 60 गोल्ड मेडल जीते, 49 सिल्वर मेडल जीते और 53 ब्रॉन्ज मेडल जीते, और इसके साथ 162 उसने पदक अपने नाम किए और वह पदक तालिका में नंबर 1 पोजीशन पर रहा। तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को बार बार एग्जाम में देखा जाता है, आपको इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है अच्छे से, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इनके सभी फैक्ट जो है वो नोट डाउन करनी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा, ठीक है, 2034 की मेजबानी कौन करेगा, सऊदी अरब, भारत, जापान या फिर ऑप्शन डी यूके। ओके, सऊदी अरब एकमात्र फुटबॉल संघ था जिसने समय सीमा समाप्त होने से पहले 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी के लिए बोली पेश की है। इसका मतलब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सऊदी अरब इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है भाई साहब जिन्हें सम्मानित किया गया है, हमें इनका नाम बताना है, प्रथम जोशी, रिहान तल्या, सौर्य मित्तल या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बेंगलुरु के हैं ये, ठीक है। 10 वर्षीय बच्चे बिहान ताल्या विकास को लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता से सम्मानित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर इन्हें बनाया गया है। इस आयोजन को फोटोग्राफी का ऑस्कर भी माना जाता है, तो काफी बड़ा पुरस्कार है बिहान तल्या को मिला है, इनका नाम है बिहान तल्या, ऑप्शन बी बिहान तल्या इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी के में प्रथम स्थान मिला है, ठीक है, जयपुर, इंदौर, कोलकाता या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इंदौर को नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये देख सकते हैं, हमारी जो राष्ट्रपति हैं महामहिम, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, वो ये पुरस्कार दे रही हैं, विजेताओं को सम्मानित कर रही हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इंदौर, ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है, आपको पता होगा, इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया, IMS इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, यहाँ पे देख सकते हैं 6वां 2023, ठीक है, और ये किस शहर में, ठीक है। तो ऑप्शन है बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा, आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन को, रिजल्ट देख लेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा बेंगलुरु में, कहाँ पे, बेंगलुरु में 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया गया, यह शो लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन ए बेंगलुरु इज द राइट आंसर, ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शहर को हाल में यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया। अगेन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन फीचर होगा ही होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संगीत का शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन बताए, ग्वालियर, जयपुर, हैदराबाद, कोझिकोड, बताइए, हमें बताना है, ठीक है, किस शहर को। तो विश्व शहर दिवस पर केरल में कोझिकोड और मध्य प्रदेश में ग्वालियर 55 नए शहरों की सूची में शामिल हुए हैं, प्रतिष्ठित यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं कोझिकोड, ठीक है, और दोस्तों ग्वालियर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जो ऑप्शन है वो गलत है, इसमें ग्वालियर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कोझिकोड दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, दोनों ही शहरों को क्रिएटिव सिटी में घोषित किया गया है, ठीक है। ओके, तो फिर अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है, यूपीएससी, एनसीईआरटी, डीआरडीओ, इनमें से कोई नहीं। हु हैज रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट कुशा, KUSHA, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कुशा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के दायरे में है, इसका उद्देश्य विस्तारित दूरी से दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने की क्षमता है, ठीक है।
एक दुर्जेय तीन स्तरीय रक्षा प्रणाली स्थापित करना इसका मूल उद्देश्य है। तो डीआरडीओ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिसने प्रोजेक्ट कुशा को शुरू किया है। ठीक है, ये नाम छोटे छोटे जो नाम होते हैं दोस्तों, ये प्रोजेक्ट्स के ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इन पर ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस शहर में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया? देहरादून, लखनऊ, भुवनेश्वर या अहमदाबाद? ठीक है, तो हमें बताना है 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर के पास गोमती तट पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, वो इसके मुख्य अतिथि थे। इस उसको यूपी में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गणेशन कन्नावीरन, नीरज अखौरी, कोप्पू सुदास मूर्ति या फिर हर्षवर्धन बंसल? तो बताना है ये भेल, ये मिस्टर, ये जो है इनका हमें नाम बताना है क्या है। कोप्पू सदाशिव मूर्ति को भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले कोप्पू सदाशिव मूर्ति भेल में कॉरपोरेट ऑपरेशंस मैनेजमेंट ग्रुप के कार्यकारी निदेशक थे और साथ ही उन्होंने भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। ठीक है, तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट्स में किसने गोल्ड मेडल जीता है? गोल्ड मेडल किसने अपने नाम किया है? विजय कुमार, वैभव सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर या फिर सौरभ चौधरी? हमें नाम बताना है इनका। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर दक्षिण कोरिया के चांगवान में 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में चीन के तियान जियांग पर 0.8 अंक के साथ अंतर के साथ राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और डिटेल दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? विदेश मंत्रालय, NCERT, UPSC या फिर शिक्षा मंत्रालय? ठीक है, तो बताना है भारत के चुनाव आयोग ने देश भर के स्कूलों में चुनावी साक्षरता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किए हैं। ठीक है, वो चाहता है कि लोगों में चुनाव के प्रति साक्षरता बढ़े, जिससे कि नेता उनका उनकी अशिक्षा का या फिर उनकी कम नॉलेज का फायदा न उठा पाए। ठीक है, उनके उनके बीच अवेयरनेस बढ़ाना, इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। तो शिक्षा मंत्रालय ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? जापान, भारत, मलेशिया या फिर सिंगापुर? तो हमारी टीम जो है, महिला हॉकी टीम, वो चैंपियन बनी है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो भारतीय टीम है उनके खिलाड़ियों को। ठीक है, शुरू से ही रोमांचक हॉकी खेलते हुए आक्रामक भारतीय महिला टीम ने खिताब धारक यानी कि पूर्व चैंपियन जापान को 4-0 से, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, 4-0 से हराकर अपना दूसरा एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। फ्लडलाइट की समस्या के कारण मैच 50 मिनट देर से शुरू हुआ था और उसके बाद जब शुरू हुआ तो भारतीय टीम ने कमाल कर दिया, लगातार एक के बाद एक 4 गोल किए, दूसरी जो टीम है उसको मौका नहीं दिया गोल करने का। तो टाइटल किसने जीता है? भारत, ऑप्शन बी भारत ने इसको जीता है। किसको हराकर? जापान को हराकर दोस्तों ये टाइटल हमने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए किसे नामित किया गया है? अंशिका सिंह, साइमा वाजे बाजेर, वसुधा गुप्ता, इप्सिता दास गुप्ता? तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की साइमा बाजेर, ठीक है, को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। बाजेर एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है। तो ये है साइमा बाजेर, जो शेख हसीना की बेटी है, तो इन्हें नामित किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका साइमा वाजेद, ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज का विजेता किसे नामित किया गया है? ठीक है, इन्हें मिला है पुरस्कार, हमें इनका नाम बताना है। ठीक है, दीपक शेनॉय, लीली बेंदापुंडी, बेंदापुडी, नंदिनी दास, शांति लकड़ा? ठीक है, भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पुस्तक
कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल्स इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार का विजेता नामित किया गया। अभी नॉमिनेशन है दोस्तों, ये इन्हें पुरस्कार नहीं मिला है, याद रखना है, इट इज जस्ट अ नॉमिनेशन। ओके, तो इनका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन सी, नंदिनी दास। ये नंदिनी दास है, ठीक है, ये इनकी किताब का नाम है, ठीक है, ये देखना है, ठीक है, कोटिंग इंडिया। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? स्वदेश कुमार, प्रवीण मधुकर, प्रेम कोहली, इनमें से कोई नहीं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण मधुकर पवार को 5 साल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। पवार 2003 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, ये हैं, ठीक है, तो प्रवीण मधुकर पवार, ठीक है, प्रवीण मधुकर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? फिलीपींस, नेपाल, पाकिस्तान या फिर डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। फिलीपींस ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना BRI से बाहर निकलने की घोषणा की है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस सरकार ने BRI की सभी परियोजनाओं को समाप्त कर दिया है और परियोजना से जुड़े जापान और पश्चिमी देशों को सौंपने के आदेश दिए हैं, ठीक है, तो फिलीपींस निकल गया है बाहर, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, ठीक है, ये ऑप्शन ए फिलीपींस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किसे हाल में केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, पी पद्मनाभन, अंकित अवस्थी, जोसेफ स्टालिन या फिर कृष्णन विजयन। ओके, तो केरल सरकार ने प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया है। केरल राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें दिया गया है। ये मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए, मलयालम साहित्य में असाधारण योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये है हमारे टी पद्मनाभन जी, ठीक है, टी पद्मनाभन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, निम्न में से कौन क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज हो गया है? ठीक है, भारतीय बन गए हैं, जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन, मोहम्मद शमी या फिर रविंद्र जडेजा। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भारत की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे वर्ल्ड कप के मैच में इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 357 रन बनाए थे। तो मोहम्मद शमी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मोहम्मद शमी ने इसमें काफी सारे विकेट लिए हैं, ठीक है, काफी सफल गेंदबाज बनकर सामने आए हैं। मिनट मैन थर्ड मिसाइल हाल ही में खबरों में देखी गई है, यह मिसाइल किस देश ने लॉन्च की है? हमें बताना है, USA, भारत, रूस, इजराइल। ठीक है, तो अमेरिका कैलिफोर्निया ने वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च के बाद एक विसंगति का पता चलने के बाद वायुसेना से प्रशांत महासागर के ऊपर एक मिनट मैन थर्ड मिसाइल को उड़ा दिया। तो ये मिसाइल जो लॉन्च की गई है वो की गई है, ठीक है, किसके द्वारा? USA के द्वारा। तो ऑप्शन ए USA इज द राइट आंसर। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो करंट अफेयर का ये वीडियो है, करंट अफेयर की जो क्लास है वो समाप्त होती है। इसमें हमने लगभग 26-27 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको इनके नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है, और इनको इस वीडियोस को पूरा देखना चाहिए, ऐसे वीडियोस को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप लगातार शेयर करिएगा, ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारी दोस्तों एकेडमी है, दृष्टि ISPCS एकेडमी, ठीक है, जो कि आगरा में है। ये यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आपको एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप वो सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, जय हिंद।